इसी को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वन और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे तमाम की तमाम आइडेंटिटी बन जाए। इसी तरह फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे वन बनाना है, तो मैं इसको हाईलाइट करूँ। तो R3 को हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ? -4 के साथ। तो -4 से डिवाइड किया तो ये वन बन गया। अब R1 में चेंज आना है, तो R1 को ऐड किया जाए +3R3 के साथ। तो यहाँ पे जो है ये 0 आ जाएगा। वही हमने ऑपरेशन लिखा, R1 +3R3। So 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और चेंज हमारे पास जो, अब ये आपके सामने ये सारा का सारा आइडेंटिटी बन चुका है, ये रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म बन चुकी है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। और यहाँ पे अब ये जो है रिजल्टेंट, ये हमें रिजल्टेंट रिसीव हो चुका है। अब ये 4x4 भी हो सकता था, 5x5 भी हो सकता था, n x n भी हो सकता था। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये b है। और b को हमने कहा, सॉल्व किया था कि ये ए इनवर्स है। यही हमारे पास टर्म जो है वो आगे आ गई। इसी को ये जो है वो हमने लिख लिया। ये हमारे पास हेंस बी इज इक्वल टू दिस एंड बी इज ए इनवर्स। सो दिस ए इनवर्स इज -1/2, 0 -1/2, 1/4 -1/2, 1/4 -3/4, 0 1/4। जैसे मैंने पहले बताया, यहीं से हम इक्वेशन अगर सॉल्व कर, बी हमें गिवन होता तो हम इसे लिख सकते थे AX = A inverse into B। यानी कि इस ए इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास अननोन एक्स की वैल्यूज जो है वो आ जाती। सिस्टम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास ये यूजफुल टूल है, यूजफुल मेथड है, जिसके जरिए हम अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो हमेशा n x n होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर n x n नहीं है, तो फिर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात, इसका ऑर्डर n x n नहीं है तो इसका मतलब है वो स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वेयर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, नहीं है का मतलब ये हुआ कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी की अगर थ्योरम के लिहाज से और प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखा जाए, तो लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, देन ए बी इज इन्वर्टेबल, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। अगर ए भी इन्वर्टेबल है, मीन ए का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए बी का भी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जो के बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करें, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। और इसी तरह पे सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के लिहाज से ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। सिमेट्री को भी हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास जो स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसकी मेथडोलॉजी है, फिर उसकी एग्जाम्पल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो मोरे पेनरोज और सूडो इनवर्स कहलाता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फुल रैंक, देन द इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ए इज रेफर टू द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, AX = B हैव द सॉल्यूशन X = A inverse B। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ए जो है स्क्वेयर मैट्रिक्स है फुल रैंक का और इन्वर्टेबल बी है, तो X = A inverse B लिख के हम एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन
द मोरे पेनरोज सूडो इनवर्स इज जनरलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स व्हेन द मैट्रिक्स मे नॉट बी इन्वर्टेबल. इफ ए इज इन्वर्टेबल देन मोरे पेनरोज सूडो इनवर्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इनवर्स. हाउएवर द मोरे पेनरोज सूडो इनवर्स इज डिफाइंड व्हेन ए इज नॉट इन्वर्टेबल. यानी कि इन अदर वर्ड्स ए को इन्वर्टेबल नहीं है तो हम मोरे पेनरोज सूडो इनवर्स को यूज करते हैं इन्वर्टेबल बनाने के लिए, और वो किस तरह होता है इसको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे. मोर फॉर्मली द मोरे पेनरोज सूडो इनवर्स ए प्लस ऑफ एन एम बाय एन मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द यूनिक एन बाय एम मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग फोर क्राइटेरियाज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द केस व्हेन ए कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर. अब वो क्या है हमारे पास के सूडो इनवर्स के लिए, जैसे वही फोर जो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हमारे पास जो स्क्वेयर मैट्रिक्स ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो और इन्वर्टेबल ना हो, तो हम कोशिश करेंगे सूडो इनवर्स के साथ तो उसे इन्वर्टेबल बनाएं, और उसका जो इन्वर्टेबल बन जाएगा तो इसका मतलब उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा. सो इसी की हमारे पास पहले जो है वो मेथोडोलॉजी आएगी. सो मेथोडोलॉजी फॉर सूडो इनवर्स में सबसे पहले मेथोडोलॉजी तो हम डिस्कस करें. तो सूडो इनवर्स फॉर स्क्वेयर सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. फॉर रेक्टेंगुलर सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, ये अब ए एक्स नहीं है, ये ए एक्स हैट है. ए एक्स हैट इज इक्वल टू बी वेयर एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए सूडो बी, इस तरह इसको कॉल करते हैं. अगर हमारे पास जैसे हमने डिटेल में भी डिस्कस किया कि इन्वर्टेबल फुल रैंक मैट्रिक्स हो तो हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी. अब ये जो ए एक्स हैट है ये बता रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्क्वेयर नहीं है. तो x हैट इज इक्वल टू ए सूडो बी, ये a प्लस जो है इसको हम सूडो इनवर्स कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? सूडो इनवर्स. ये किसकी जगह पे रिप्लेस हो रहा है? बेसिकली ए इनवर्स ही की जगह पे आ रहा है. सो ये सूडो इनवर्स कहलाएगा. सो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे और इसको एग्जांपल के तौर पे किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम जो है पहले मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे.